हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं पेबल्स मैनेजमेंट। तो लेक्चर से बच्चे जो ऑब्जेक्टिव ऑफ पेबल्स मैनेजमेंट है, सो वी नो दैट व्हेन फर्म मेक्स क्रेडिट परचेज, सो व्हेन एवर वी परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, सो देर आर सम क्रेडिट टर्म्स विच आर यूज इन अवर क्रेडिट परचेज। फॉर एग्जाम्पल, सो दी जा रहे 2/10 नेट 30। सो इट मीन्स इफ यू मेक पेमेंट विद इन 10 days, यू विल गेट 2% डिस्काउंट। सो ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टर्म इज 2% डिस्काउंट, सो इज अलाउड इफ पेमेंट इज मेड सो विद इन 10 days। तो इस एग्जांपल में जैसे 2/10 नेक्स्ट 30, 2 मीन्स 2% डिस्काउंट आपको मिलेगा। देखिए आप पेमेंट करके 10 days में, एंड आफ्टर 10 days देयर इज नो डिस्काउंट। देन सेकंड कंडीशन इज आफ्टर 10 days नो डिस्काउंट, एंड दिस नेक्स्ट 30 इट इंडिकेट्स मैक्सिमम क्रेडिट पीरियड, एंड नेक्स्ट 30 इज द मैक्सिमम पीरियड विच इज ऑल्सो कॉल्ड मैक्सिमम क्रेडिट पीरियड ड्यूरिंग विच पेमेंट मस्ट बी मेड, ड्यूरिंग विच पेमेंट इज टू बी मेड। इट मीन्स आपको विद इन 10 days में 2% डिस्काउंट मिल रहा है, आफ्टर 10 days नो डिस्काउंट, मैक्सिमम पीरियड आपको मिलेगा 30 days। अब सपोज कर लीजिए अब आपकी परचेज है ऑफ ₹100, लेकिन आप डिस्काउंट फैसिलिटी अवेल कर रहे हैं तो आपको 2% डिस्काउंट मिल जाएगा। So if discount is availed, it means in that case what will be net payment? So it will be 100 minus 2%. So it means आपको 90-80 payment करनी पड़ेगी immediately, or we can say within 10 days. But if you make payment later on after 10 days, फिर आपको 100 रुपये की payment करनी पड़ेगी। So it means उस केस में जो 90 रुपये की payment है वो हम करेंगे after 30 days में, और उसके ऊपर आपको 2 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे विच डिस्काउंट। तो इस टॉपिक में हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कि यदि आप डिस्काउंट अवेल नहीं करते हैं तो उसकी कितनी कॉस्ट पड़ेगी हमें, तो किसी का जो कॉस्ट ऑफ क्रेडिट। तो इट मीन्स इफ डिस्काउंट फैसिलिटी इज नॉट अवेल्ड, यदि आप डिस्काउंट फैसिलिटी को अवेल नहीं करते हैं, then what is your effective cost? What is the effective cost of trade credit? तो हम कह सकते हैं जिसे की इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ ट्रेड क्रेडिट ऑफ नॉट अवेलिंग डिस्काउंट। तो इसमें देखिए अब आपका क्या लॉजिक बनेगा, इट मीन्स आप यदि डिस्काउंट अवेल कर रहे हैं तो हमें पेमेंट करनी पड़ती है 90 रुपीज़। इफ यू डू नॉट अवेल डिस्काउंट फिर आपको पेमेंट करनी पड़ेगी 100 रुपीज़। तो इट मीन्स सो कॉस्ट ऑफ ₹98 इज ₹2, तो 98 रुपीज़ को पेमेंट को डेफर करने के लिए तो हमारी जो कॉस्ट है वो है 2 रुपीज़, उसकी परसेंटेज कितनी है, बताइए जो परसेंटेज ऑफ कॉस्ट, तो दिस इज परसेंटेज ऑफ कॉस्ट के लिए 2/98 × 100। अब आप देखिए ये जो कॉस्ट है 2/98 × 100 कितने टाइम की है, आपको कितने टाइम की फैसिलिटी मिल रही है, हमें फैसिलिटी मिल रही है आफ्टर 10 days वी हैव टू मेक पेमेंट अप टू 30 days, इट मीन 20 days का क्रेडिट हम अवेल कर रहे हैं। तो जिस परसेंटेज ऑफ कॉस्ट और अवर एडिशनल क्रेडिट पीरियड आफ्टर डिस्काउंट पीरियड, तो इस एग्जांपल में है ये 420 days। बट नॉर्मली जब हम कंपेरिजन करते हैं हम कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट को पर एनम में, सो वट विल बी परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ ट्रेड क्रेडिट जिसे जो पर एनम, इसका फार्मूला बन जाएगा 2/98, ये आपकी कॉस्ट आ गई परसेंटेज में। बट जिसे जो कॉस्ट फॉर 20 days, अब इसको हमने बनाना है पर एनम, सो इट इज जो 420 days, वक्त जो कॉस्ट फॉर 365 days। तो इट मीन्स इसको आप डिवाइड कीजिए, अब ये जो कॉस्ट है आपकी जिस मंथ ये 20 days की है तो हम बना रहे हैं इसको 365 days के लिए, जिसे कहा गया यूनिटरी मेथड, तो ये आपकी कॉस्ट बन जाएगी पर एनम। तो लेट्स से हाउ मच इज दिस कॉस्ट,
तो जैसे 200 डिवाइडेड बाई 98 इंटू 365 डिवाइडेड बाई 20, तो जैसे कमिंग 37.24% पर एनम। उसको हम फार्मूले की शेप में भी मेंशन कर सकते हैं। उसका एक फार्मूला कहते हैं फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ क्रेडिट, जिसे कहा गया कॉस्ट ऑफ ट्रेड क्रेडिट, और ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं पर एनम में। अब ये फार्मूला बन जाएगा तो कू क्या है आपका, ये है डिस्काउंट रेट, और नीचे हम ले रहे हैं 98 क्या था हमारा, जो भी आपकी वैल्यू थी माइनस करके हमने डिस्काउंट रेट, तो वी कैन से 100 माइनस डिस्काउंट रेट, तो 100 ले लिए आपकी फेस वैल्यू है, उसमें से डिस्काउंट का जो रेट है वो माइनस कर लीजिए, इनकू 100 इनकू कर लीजिए डेज पर एनम, 365 है आपके नंबर ऑफ डेज पर एनम। नीचे हम ले रहे हैं 20 डेज का जो टाइम पीरियड है, तो जिसे कमिंग आपका जो नेट क्रेडिट पीरियड है उसमें से माइनस कर लीजिए डिस्काउंट पीरियड, तो जिसे नेट क्रेडिट पीरियड माइनस डिस्काउंट पीरियड, ये आपका एक फार्मूला बन जाएगा टू डिटरमिन कॉस्ट ऑफ क्रेडिट क्रेडिट पर एनम। प्रॉब्लम नंबर 1, इस क्वेश्चन में ये को आपको डाटा मेंशन किया है, बट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ नोट फेसिंग डिस्काउंट व्हेन क्रेडिट टर्म्स आर 2/20 नेट 45। तो आपको ना क्रेडिट टर्म्स मेंशन की है, तो क्रेडिट टर्म्स आर 2/20 एंड नेट 45, तो वी हैव टू कैलकुलेट बट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ नोट फेसिंग डिस्काउंट एंड वी हैव टू एज्यूम 1 ईयर है 360 डेज, और आपको कंसिडर करने हैं 360 डेज पर एनम। तो किसी कहा गया कॉस्ट ऑफ ट्रेड क्रेडिट, किसी आंसू कहा जाएगा इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ डिस्काउंट, जब आप डिस्काउंट अवेल नहीं कर रहे हैं उसकी कितनी कॉस्ट पड़ेगी, तो किसी आंसू कहा जाएगा इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ नोट अवेलिंग डिस्काउंट, इम्प्लिसिट को मेरे कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो आप फार्मूला अप्लाई कीजिए, तो देखिए डिस्काउंट रेट है आपका 2, डिनोमिनेटर में 100 माइनस 2, देखिए आप डिस्काउंट को अवेल करके हैं फिर आपको कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी 98 के 98 के बेस पर आपकी कॉस्ट आ रही है 2 रुपीज, उसकी परसेंटेज, अब ये जो परसेंटेज कॉस्ट आएगी दिस विल बी फॉर हाउ मच टाइम पीरियड, 45 में से माइनस कीजिए 20, तो ये है आपके 25 डेज के, तो वट विल बी कॉस्ट फॉर 360 डेज विच इज पर एनम। तो आपको मेंशन किया है 1 ईयर में आपको लेने हैं 360 डेज, तो जैसे ये 200 × 360 डिवाइडेड बाई 98 डिवाइडेड बाई 25, तो जैसे कमिंग 29.39%, आप राउंड ऑफ भी कर सकते हैं 29.4%, ये आपकी कॉस्ट आ जाएगी पर एनम। तो नेक्स्ट लेके प्रॉब्लम नंबर 2, इस क्वेश्चन में देखिए आपको मेंशन किया है ए बी लिमिटेड हैज बीन ऑफर क्रेडिट टर्म्स फ्रॉम इट्स मेजर सप्लायर ऑफ 3/10 नेट 45, आपको यहाँ क्रेडिट टर्म्स दिए हैं 3/10 नेट 45, सो कंपनी है चॉइस ऑफ पेइंग ₹97/100 और टू इन्वेस्ट 97 फॉर एन एडिशनल 35 डेज, तो इट मीन्स इसमें 3% डिस्काउंट मिल रहा है, तो 100 में से यदि आप 3 माइनस करके हैं तो कंपनी कैन मेक पेमेंट ऑफ 97 आफ्टर अवेलिंग डिस्काउंट, और सेकेंड एक ऑप्शन भी है और कंपनी कैन इन्वेस्ट जिस 97 रुपीज फॉर एडिशनल 35 डेज, आपके पास कितना क्रेडिट पीरियड है जो आपको मिलेगा 45 - 10 35 डेज के लिए आप इस मनी को इन्वेस्ट भी कर सकते हैं एंड इवेंचुअली पे का सप्लायर रुपये 100 डिसीजन एक्ट टू वेदर का डिस्काउंट शुड बी एक्सेप्टेड डिपेंड्स ऑन द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिंग 97 फॉर 35 डेज, तो आपको देखना है कि तो आपको डिस्काउंट अवेल करना चाहिए या उसको इन्वेस्ट करना चाहिए, वो डिपेंड करता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की है डिस्काउंट की। सो ए बी कैन इन्वेस्ट एडिशनल कैश एंड कैन ऑब्टेन एन एनुअल रिटर्न ऑफ 25%, तो देखिए आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं इफ यू इन्वेस्ट तो उसके ऊपर आपको रिटर्न मिलेगी जिसे 25% पर एनम। द अमाउंट ऑफ इन्वाइस रुपये 10,000 डिटरमिन इफ कंपनी शुड अवेल डिस्काउंट फैसिलिटी और नोट, तो
आपके जो परचेज अमाउंट है 10,000 है, तो आपको देखना है कि आपको डिस्काउंट अवेल करना चाहिए या नहीं। एक सिंपल मेथड है, देखो इफ वी अवेल डिस्काउंट, यदि हम डिस्काउंट अवेल करते हैं तो उस मनी को आप जो है इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, तो आपकी कितनी सेविंग होगी, उसमें सेविंग होगी आपकी ऑफ कॉस्ट ऑफ क्रेडिट क्रेडिट में। यदि आप डिस्काउंट अवेल नहीं करते हैं, उससे जो कॉस्ट आनी थी वो हमारी सेव हो जाएगी, तो वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इफ़ वी अवेल डिस्काउंट बट विल बी सेविंग इन कॉस्ट ऑफ क्रेडिट क्रेडिट, जिसे कि डिस्काउंट रेट 3 डिवाइडेड बाई नेट अमाउंट 100 माइनस 3 97, ये इसकी परसेंटेज। एंड वट विल बी पर एनम, टोटल गेस है आपकी 365 और इसमें गैप है हमारा 45 माइनस 10 35 डेज। इट मीन्स यदि आप डिस्काउंट अवेल नहीं करते हैं तो आपको इतनी कॉस्ट पड़ने के, अब डिस्काउंट अवेल करने से ये कॉस्ट हमारी सेव हो जाएगी। तो दिस वन इज कमिंग 300 × 365 / 97 / 35, दिस यू कैन सी दिस इज 32.25%। बट इफ वी डू नॉट अवेल डिस्काउंट, अब देखिए आप डिस्काउंट अवेल नहीं करते हैं, डू नॉट अवेल बट आप उस मनी को इन्वेस्ट करते हैं, राजर वी मेक इन्वेस्टमेंट, फिर आपको रिटर्न मिलेगी 25%। ये आपको पहले ही है परसेंटेज में। इन दैट केस वट इज रिकरन, रिकरन मीन्स इनकम और सेविंग 25%। इस केस में आप देखेंगे डिस्काउंट अवेल करने से आपको ज़्यादा रिकरन मिल रही है, ज़्यादा सेविंग हो रही है एज कम्पेयर को उसको इन्वेस्ट करने से। तो दिस इज बेटर, दिस इज हायर, इट मीन दिस इज बेटर। सो वी कैन से दैट दिस इज एन इज कंपनी शुड अवेल डिस्काउंट। तो अब इसका हम एक कंपेरिजन भी कर सकते हैं और तरीके से देखिए, लेट अस सी एक्सप्लेनेशन। तो आप एक इनकम स्टेटमेंट ड्रॉ कीजिए, तो कंपेरिजन करने हैं दोनों ऑफर्स का। तो फर्स्ट ऑफर है देखिए आपकी डिस्काउंट ऑफर, अवेल डिस्काउंट, इसमें ये देखिए आपकी परचेज कॉस्ट कितनी है, जिसे 10,000 जो इन्वाइस अमाउंट है उस पर आपको मिल जाएगा डिस्काउंट, लेस डिस्काउंट। देखिए आप डिस्काउंट को अवेल करते हैं, डिस्काउंट के हाउ मच 3% एट द रेट ऑफ 3%, दिस विल बी 300, तो आपकी नेट कॉस्ट आ जाएगी। तो वट इज अवर नेट कॉस्ट ऑफ अवेलिंग डिस्काउंट, एक 9700। उसमें जगह आप डिस्काउंट अवेल करते हैं तो 9700 की आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। अब देखते हैं जगह आप इन्वेस्ट करते हैं एंड गूगल का अवेल डिस्काउंट, तो उस केस में क्या है, आपको परचेज की वैल्यू पे करनी पड़ेगी 10,000 आफ्टर 45 डेज। बट जो 9700 की पेमेंट आपने नहीं की बाय अवेलिंग डिस्काउंट, जब डिस्काउंट अवेल करते हैं तो 9700 पे करें, उसको हम इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसके ऊपर देखो कितनी रिटर्न मिलेगी। तो इस केस में आपको रिटर्न मिल जाएगी, ये हम कैलकुलेट करेंगे 9700 के ऊपर, तो आपको रिटर्न मिलेगी 25% एंड फॉर हाउ मच टाइम पीरियड, दिस विल बी 45 माइनस 10, तो 35 दिन के लिए आप उस मनी को इन्वेस्ट कर सकते हैं इनको 35 / 365। पेमेंट फुल करनी पड़ी पर आपको कुछ इनकम आ गई तो वो आप लेस कर लीजिए, 9700 × 25% इनको 35 / 365, जिसे 233 राउंड की फिगर। उस केस में आपकी नेट पेमेंट आ रही है 9767। तो अब देखिए इस केस में हमारी पेमेंट लेस है, तो दिस इज बेटर ऑप्शन। नेक्स्ट लेके सी प्रॉब्लम नंबर 3, तो इसमें देखिए आपको डेटा मेंशन किया है, ए बी लिमिटेड परचेजी राम के लिए ऑन टर्म्स 2/10 / 30, अ रिव्यू ऑफ अ कंपनी रिकॉर्ड्स बाय द ओनर रिवील्ड दैट द पेमेंट्स आर यूजुअली मेड 20 डेज आफ्टर परचेज आर रिसीव्ड। आपको क्रेडिट टर्म्स दी हैं 2/10 / 30, तो आपको 30 डेज का मैक्सिमम क्रेडिट पीरियड अलाउड है, बट इट इज गिवन दैट पेमेंट इज मेड आफ्टर 20 डेज। इसमें से फर्म इज नॉट अवेलिंग डिस्काउंट बट इट इज मेकिंग पेमेंट आफ्टर 20 डेज। सो व्हेन आस्क्ड बाय द फर्म डिड नॉट टेक एडवांटेज ऑफ डिस्काउंट, द अकाउंटेंट रिप्लाइड दैट, अब कंपनी ने डिस्काउंट फैसिलिटी अवेल नहीं की, या अकाउंटेंट हैज रिप्लाइड दैट इट कॉस्ट ओनली 2% ऑफ गिल्ड फंड्स। अकाउंटिंग का ओपिनियन है कि जो डिस्काउंट की जो कॉस्ट है, डिस्काउंट कॉस्ट इज 2%, बट वेयर एज अ बैंक लोन वुड कॉस्ट अ कंपनी 12%, पर ये हम बैंक से लोन लेते हैं
बैंक लोन कॉस्ट इज 12% पर एन। तो ये अकाउंटेंट का ओपिनियन है कि डिस्काउंट की कॉस्ट सिर्फ 2% है और बैंक के लोन की जो कॉस्ट है जिसे जो 12% पर एन। सो दिस कॉस्ट इज वेरी लो, सो देयर इज नो यूज टू टेक डिस्काउंट फैसिलिटी। सो व्हाट मिस्टेक द अकाउंटेंट इज मेकिंग। अब आपने लिखना है अकाउंटेंट ने इसमें क्या मिस्टेक की है। तो लिखेंगे जो अकाउंटेंट की मिस्टेक ये है, इसने डिस्काउंट को कंसीडर कर लिया 2% बट किसी जो कॉस्ट नोट पर एनम। सो डिस्काउंट कॉस्ट ऑफ 2% इज 4। देखो आप पेमेंट कर रहे हैं 20 डेज में और यदि आप डिस्काउंट लेना चाहते हैं को 10 डेज में पेमेंट करने के, तो कितना डिले हो रहा है आपका 10 डेज में। तो इट मीन्स वी कैन से कि जो डिस्काउंट कॉस्ट है 2% किसी फॉर 10 डेज एंड जो नोट पर एनम, ये पर एनम नहीं है आपकी। तो इट मीन्स जो 10 दिन की कॉस्ट है उसको हम पर एनम की कॉस्ट से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। बट सेकेंड आपकी बैंक लोन की जो कॉस्ट है ये है 2% पर एनम, ये पर एनम है, ये 10 डेज है विच इज नोट कंपेरेबल। इट मीन्स यदि आपको डिसीजन लेना है तो हमें डिस्काउंट कॉस्ट को पर एनम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ओनली देन यू कैन टेक डिसीजन। तो ये मिस्टेक की है अकाउंटेंट ने। तो सेकेंड पार्ट ये रास्टिंग बट ये रियल कॉस्ट ऑफ नोट टेकिंग एडवांटेज ऑफ डिस्काउंट। तो आपको ये कैलकुलेट करना है कंपनी रेवेन्यू कवरेज डिस्काउंट जनवरी जिस रियल कॉस्ट। यू कैन सी क्या करो कंपनी मेकिंग पेमेंट आफ्टर 20 डेज, डिस्काउंट पीरियड 10 डेज। इट मीन्स इफ यू मेक पेमेंट 10 डेज लेटर देन यू डू नॉट अवेल डिस्काउंट फैसिलिटी। सो वट विल बी रियल कॉस्ट, सो डिस्काउंट रेट इज 2, स्पॉट पेमेंट टू अवेल डिस्काउंट इज 98% माइनस 2 एंड बकल परसेंट को गिस। सो दिस कॉस्ट को डिस्काउंट विल बी फॉर हाउ मच टाइम पीरियड, 20 माइनस 10, इट विल बी फॉर 10 डेज। सो वट विल बी अवर डिस्काउंट कॉस्ट पर एनम, तो पर एनम में टोटल डेज हैं आपके 365। तो लेट अस सी हाउ मच इज दिस। सो 200 इनटू 365 डिवाइडेड बाय 98 डिवाइडेड बाय 10, दिस इज कमिंग 74.49% पर एनम। क्योंकि सिर्फ 10 दिन की फैसिलिटी के लिए या 10 दिन के डिले के लिए आपको 2 रुपये डिस्काउंट का लॉस हो रहा है, उसकी जो परसेंटेज बन रही है पर एनम जिसे 74.49%। सो फॉर गेट वन मोर पॉइंट देयर आस्किंग इफ फर्म कुड नॉट बोरो फ्रॉम द बैंक एंड वाज फोर्स्ड टू रिजॉर्ट टू यूज ऑफ क्रेडिट फंड्स, वट सुजेशन माइट बी मेड टू द अकाउंटेंट दैट विल रिड्यूस द एनुअल इंटरेस्ट कॉस्ट। अब आपको यदि बैंक से लोन नहीं मिल रहा है तो आप क्या सुजेशन दे सकते हो अकाउंटेंट को कि आपकी जो कॉस्ट ऑफ क्रेडिट है ये रिड्यूस हो जाए। वी कैन से अकाउंटेंट जो है वो मेक पेमेंट कर रहे हैं आफ्टर 20 डेज में, तो 10 दिन के कारण आपको डिस्काउंट का लॉस हो रहा है। तो बेटर है कि यदि आपको डिस्काउंट अवेल नहीं करना है, यू शुड मेक पेमेंट आफ्टर 30 डेज जो मैक्सिमम क्रेडिट पीरियड अलाउड है। सो इट मीन्स वी कैन से इन केस ऑफ सी अकाउंटेंट शुड अवेल मैक्सिमम क्रेडिट पीरियड ऑफ 30 डेज। तो उस केस में देखिए अब आपको कितनी कॉस्ट पड़ेगी, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट पर एनम। आपकी कॉस्ट है 2/98 × 100, ये परसेंटेज है। अब ये जो कॉस्ट पड़ेगी आपको डिस्काउंट की दिस विल बी फॉर हाउ मच टाइम, 30 माइनस 10, ये 20 डेज की आ गई, वट विल बी पर एनम इनकू 365। इट मीन्स पहले ये कॉस्ट थी आपकी 10 डेज की, अब ये रह जाएगी कॉस्ट ऑफ 20 डेज, इट मीन्स हाफ हो जाएगी आपकी कॉस्ट। तो लेकर सी 200 × 365 डिवाइडेड बाई 98 डिवाइडेड बाई 20, तो जिस कॉस्ट की कमिंग 37.245% पर एन। अगर भाई पहले कॉस्ट आपसे आ रही थी 74.49%, नाउ की 37.245%। इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया पेबल्स मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट, हाउ टू डिटरमिन कॉस्ट ऑफ क्रेडिट विद फार्मूला एंड प्रॉब्लम्स। थैंक यू।